हेलो एवरीवन, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अजीत कुमार आज आप लोगों के समक्ष फिर से जो बिहार बोर्ड के 10वीं के हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव शीट है वो लेकर आया हूँ। और यह जो शीट है वो शीट 5 रहेगा। 4 शीट मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जो चैप्टर 1, 2 और 3, 4 से रिलेटेड है, आप उसे जरूर देखें, जिसमें मैंने बेस्ट इंपॉर्टेंट जो परीक्षाओं के लिए बनता है उनका कलेक्शन दिया है। इन बेस्ट प्रश्नों का जो उत्तर है उत्तर के साथ मैंने अपलोड किया और उत्तर की व्याख्या भी किया है, जिसके चलते आप एक बार वीडियो देखिएगा तो आपको सभी उत्तर जो है वह समझ में आने लगेंगे। आइए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी क्लासेस उन बच्चों के लिए जिन्होंने सोशल साइंस, साइंस, मैथ और हिंदी ग्रामर इन सभी विषयों का अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर पाया, उसके लिए पेड कोर्स चालू किया है, जिसमें वीडियो, PDF, शॉर्ट नोट्स, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, वन लाइनर और व्हाट्सएप के माध्यम से टेस्ट और उसका मूल्यांकन और जांच करके बताएंगे कि किन विषयों में आपकी तैयारी कमजोर है और किन विषयों में आपकी तैयारी कमजोर कह सकते हैं अच्छी है। तो इस प्रकार से आप पेड कोर्स को खरीदते हैं मात्र ₹500 में। और इसको खरीदने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए एक वीडियो को देखें और समझें कि आपको पेड कोर्स क्यों खरीदना चाहिए। इस पर एक वीडियो है, अगर आपको लगता है कि उसे खरीदना चाहिए तो खरीद सकते हैं और नहीं लगता है तो नहीं कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सभी जो नोट्स है वो सभी हिंदी हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे अपना समय बर्बाद ना करें। आइए हम लोग वीडियो में बढ़ते हैं और एक एक करके प्रश्नों पर विचार करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि जो आदि औद्योगिकरण है उसकी विशेषता क्या थी। आदि औद्योगिकरण, देखिए इस प्रश्न के उत्तर के लिए आपको सभी जो ऑप्शन है उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई भी विशेषता सही हो सकती है। तो आइए एक एक करके विशेषताओं पर ध्यान देते हैं और देखते हैं कि वह सही है कि नहीं है। स्थानीय उपयोग के लिए उत्पादन होना, जी नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि इसमें स्थानीय उपयोग के लिए उत्पादन नहीं हो रहा था, बल्कि विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्पादन हो रहा था। क्षेत्रीय उपयोग के लिए उत्पादन होना, यह भी गलत है। और अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन नहीं होना, यहाँ पर देखिए नहीं लिख दिया है, इसलिए ये वाला भी गलत है। अगर इसमें होना होता, ये नहीं शब्द नहीं रहता, तो ये वाला आपका सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पर लिख दिया अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन नहीं होना, ये गलत है। उस समय आदि औद्योगिकरण के युग में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए भी उत्पादन हो रहा था, तो ये लास्ट वाला ऑप्शन एक बच जाता है कि उत्पादन जो था विकेंद्रित था, यानी कि उस समय देखिए अभी अगर फैक्ट्री की बात करें तो एक ही जगह सभी वस्तुएं बनती है और बहुत बड़े पैमाने पर बनता है, जिससे बाकी लोगों को जो रोजगार है वो नहीं मिल पाता है, बहुत सारे लोग इसकी वजह से बेरोजगार हो जाते हैं, तो ये एक ही जगह केंद्रित हो जाता है, यानी कि उत्पादन जो है एक ही जगह केंद्रित हो जाता है, फैला हुआ नहीं है। लेकिन उस समय चूंकि एक स्थान पर कम स्तर पर काम होता था, तो उसको बड़ा करने के लिए विभिन्न जगहों पर काम किया जाता था, इसलिए ये प्रक्रिया क्या था, उत्पादन विकेंद्रित था। विकेंद्रित का मतलब समझिए कि बटा हुआ था, जो उत्पादन एक जगह बहुत सारा होना था वो नहीं हो रहा था, बल्कि बहुत जगहों पर थोड़ा थोड़ा करके इसको इसकी पूर्ति की जा रही थी, इससे समाज में सभी को रोजगार मिल रहा था। और यही कारण है कि जब औद्योगिकरण आया तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए और उन्होंने इसका विरोध भी किया, जैसे कि महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी का विरोध किया था, एक प्रकार का मशीन था, बहुत जगहों पर उसको जला भी दिया गया था। तो ये आप समझ गएंगे विकेंद्रित क्या होता है, मतलब बटा हुआ था औद्योगिकरण के पहले। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ये हो जाएगा घ नंबर, उत्पादन जो था विकेंद्रीकृत था। अगला प्रश्न है कि बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था। देखिए बाड़ाबंदी एक प्रकार का आंदोलन था, इंग्लैंड में क्या हुआ था, इंग्लैंड में यह आंदोलन हुआ था। इंग्लैंड में जो वस्त्र का मांग है वह बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था, और इस वस्त्र की मांग को बढ़ने के चलते, क्योंकि वहां की आबादी भी बढ़ रही थी, विश्व बाजार में भी इसकी मांग बढ़ रहा था, और विश्व बाजार में भी आबादी क्या हो रहा था, बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था, तो इसकी पूर्ति के लिए वहां पर जो कह सकते हैं जो भी उत्पादन था ऊन का, उसके उसके नस्ल में परिवर्तन करना था, और इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार का आंदोलन हुआ था। तो ये एक प्रकार का आंदोलन था जो इंग्लैंड में हुआ था। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर पूछा गया, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। देखिए औद्योगिक क्रांति एक ऐसी क्रांति है जिसमें वस्तुएं नहीं बदलती है, बल्कि वस्तु को बनाने का तरीका बदल जाता है, वस्तु के बनाने की प्रक्रिया बदल जाती है, यानी कि उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन हो जाता है। वही चीजें बनाती है, जैसे कि कपड़ा पहले भी बन रहा था और कपड़े आज भी बनते हैं, बल्कि उसके बनाने का तरीका अलग हो गया है, और इसीलिए उसके बनावट में चेंज आ गया है, बदलाव आ गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्पादन प्रणाली में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति हम लोग जानते हैं हुआ है, लेकिन ये जो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां पर दिखा था।
तो इंग्लैंड वह क्षेत्र है जहां पर सर्वप्रथम कह सकते हैं औद्योगिक क्रांति दिखा था। देखिए इंग्लैंड ने पूरे विश्व के अधिकतर देशों को अपना उपनिवेश बनाया, जिसके चलते वो बहुत सारे क्षेत्र में आगे थे, और इसका परिणाम यह भी निकला कि इंग्लैंड जो था औद्योगिक क्रांति में भी आगे निकला था। औद्योगिक क्रांति का स्वरूप क्या था? स्वरूप यहाँ पर पूछा गया है, इसे कह सकते हैं कैसी क्रांति कह सकते हैं। तो ये एक प्रकार का ऐसी क्रांति था जिसमें जो वर्गविहीन था, वर्गविहीन माफ कीजिए, यानी कि इसमें वर्ग नहीं देखा जाता था, कौन सा वर्ग है ऐसा नहीं देखा जाता था, सभी वर्ग इसमें आ सकते हैं। और तो इसको हम सर्वहारा वर्गीय क्यों नहीं कहें, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर यह शब्द और यह शब्द दोनों एक ही रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर सर्वहारा नहीं था, मतलब सब मिला हुआ नहीं था, विहीन था, मतलब एक दूसरे में खोया हुआ था, मिल गया था। देखिए दोनों सर्वहारा मतलब सब कोई मिल, वैसा वर्ग जिसमें सभी कोई मिला हुआ है, किसी सबको मिलके काम कर रहा है, यहाँ पर वैसा नहीं था, सबको मिल करके काम नहीं कर रहा था, सबको मिला हुआ था लेकिन वो अलग अलग क्षेत्रों में मिला हुआ था। इसमें वर्ग वर्ग की पहचान ही नहीं की जाती थी, ऐसा नहीं था कि आप कौन से वर्ग से हैं, कौन से जाति से, कौन से धर्म से, ये नहीं देखा जाता था। तो ये इस औद्योगिक क्रांति का सबसे पहला रूप था जो सामने आया, और इससे कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने जाति परिवर्तन को भी कह सकते हैं बहुत ही बड़ा प्रभाव डाला था। तो ये कैसा था? वर्ग विहीन था, जिसमें वर्ग को देखा नहीं जाता था, और सर्वहारा वर्गीय मतलब वर्ग को देखा जाएगा, वर्ग को मिलाया जाएगा। तो ये था इस दोनों शब्द में अंतर, और इस दोनों शब्द को सही से समझ के इसका उत्तर लिखिएगा। इस पूरे को दोहराते हैं एक बार, तो आदि औद्योगिकरण में क्या हो रहा था, उत्पादन जो था वह विकेंद्रीकृत होना था, उत्पादन का विकेंद्रीकृत होना, और बाड़ाबंदी आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था, और औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है, औद्योगिक क्रांति का अर्थ होता है उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन होना। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में दिखा था, और औद्योगिक क्रांति का स्वरूप था वर्ग विहीन, जिसमें वर्ग के विषय में चर्चा नहीं करना है, एक ऐसी व्यवस्था। अगले प्रश्न पर आते हैं, इंग्लैंड इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हम लोग जानते हैं सबसे पहले हुआ, लेकिन वह कौन सा उद्योग था जिससे आरंभ हुआ था? तो असामान्य सी बात है, वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग वह उद्योग था जिससे क्या हुआ था, औद्योगिक क्रांति आया था, और इससे बड़ा बंदी आंदोलन भी हुआ था। अगला प्रश्न है जेम्स वाट। जेम्स वाट यहाँ पर उनका फोटो भी देख सकते हैं आप। तो ये जेम्स वाट जो है वह इन्होंने एक आविष्कार किया था, कौन सा आविष्कार था? तो जेम्स वाट बहुत ही कह सकते हैं कुछ लोगों के मन में इस प्रश्न का उत्तर भी आ गया था, बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है कि जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था, एक प्रकार का ऐसा इंजन जो वाष्प से चलता है, और उस समय वाष्प इंजन के चलते वाष्प ट्रेनों का निर्माण भी किया गया था। अगला प्रश्न है लोहा गलाने की प्रक्रिया। लोहा को गलाना होता है विभिन्न तरह के कामों के लिए, तो ये जो इसका जो प्रक्रिया है लोहा को गलाने का प्रक्रिया, इसका खोज किसने किया था? तो इसका खोज किया था अब्राहम डर्बी वह व्यक्ति था जिन्होंने लोहा गलाने की प्रक्रिया का खोज कर दिया था। अगला प्रश्न है वाष्प से चलने वाले पावर लूप, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर था वाष्प इंजन, और यहाँ पर पूछा गया है वाष्प से चलने वाले पावर लूम, एक प्रकार का पावर लूम होता है, और इसका निर्माण किसने किया था? तो ये जो पावर लूम था इसका निर्माण किसने किया था? एडमंड। तो यहाँ पर एडमंड लिखा गया है, इनका पूरा नाम एडमंड कार्ट राइट। इन्होंने क्या किया था, पावर लूम जो होता है वाष्प से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है फ्लाइंग शटल। फ्लाइंग शटल एक प्रकार का कह सकते हैं यंत्र है जिसका प्रयोग किसमें किया जाता था, वस्त्र को बिनने में किया जाता था। तो ये जो फ्लाइंग शटल था इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था जॉन के ने किया था। इसके विषय में हम आगे आपको चर्चा करेंगे, तो एक बार फिर से हम इसे रिकॉल कर लेते हैं। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जो है सबसे पहले आरंभ हुआ था वस्त्र उद्योग से, और जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था, लोहा गलाने की प्रक्रिया का खोज अब्राहम डर्बी ने किया था, और वाष्प से चलने वाले पावर लूम का आविष्कार एडमंड ने किया था, और फ्लाइंग शटल जो है वह जॉन के ने किया था। फ्लाइंग शटल एक देख सकते हैं कि यह यंत्र है जिसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है धागे को पिरोने के लिए, और यह व्यक्ति है जॉन के, इन्होंने ही इसका आविष्कार किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वाष्प चलित रेल। यहाँ पर रेल के विषय में आप देख लीजिए, वाष्प से चलने वाला, पहले वाष्प इंजन का आविष्कार हुआ और फिर वाष्प से चलने वाले रेल का इंजन बनाया गया, और ये हमारे आज के आधुनिक युग के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है रेल का आविष्कार।
तो ये जो वाष्प से चलने वाला रेल इंजन था, इसका आविष्कार किसने किया था, वो कौन व्यक्ति था जिन्होंने इसका आविष्कार किया था? तो जॉर्ज जॉर्ज इनका पूरा नाम है जॉर्ज स्टीफेंसन फैंसन्स, वह व्यक्ति है जिन्होंने क्या किया था, वाष्प से चलने वाले रेल इंजन को बनाया था। वाष्प शक्ति का प्रयोग कह सकते हैं किसका, जेम्स वाट ने, और ये व्यक्ति है जो जिन्होंने वाष्प से क्या बना दिया, रेल इंजन बना दिया था। यहाँ भी जेम्स वाट दिया है, तो वाष्प देख करके जेम्स वाट टिक नहीं लगाना है, रेल इंजन रहेगा तो यह व्यक्ति हो जाएगा। स्पिनिंग जेनी एक मशीन है, यहाँ पर देख सकते हैं फोटो में आप लोग, जिसमें एक पहिया घुमाने पर बहुत सारी तिलकियां घूमने लगती थी, जिससे जो बुनने की प्रक्रिया है, धागे काटने की प्रक्रिया है, वह बहुत ही ज्यादा तेज हो गया था। तो ये जो स्पिनिंग जेनी है, इसका आविष्कार किस वर्ष हुआ था, यहाँ पर ये पूछा गया है, तो 1764 वह वर्ष है जब इस मशीन का आविष्कार हुआ था। अब यहाँ पर आपसे अगला प्रश्न पूछ दिया गया है, इसी से जुड़ा हुआ है, कि ये जो मशीन है, इसका आविष्कार किसने किया था, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, वह व्यक्ति कौन था? तो जेम्स हार्ग्रीव्स, हार्ग्रीव्स वह व्यक्ति है जिन्होंने स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि औपनिवेशिक सरकार की नीति, औपनिवेशिक सरकार भारत के लिए है, तो औपनिवेशिक सरकार की नीति भारतीय वस्त्र उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देख सकते हैं यहाँ पर जो भारत था, वहां वो किसका गुलाम था, अंग्रेजों का था, तो वो अंग्रेजों का उपनिवेश था, और अंग्रेज क्या चाहते थे, अंग्रेज चाहते थे कि भारत का जो वस्त्र है वह कम बिके और हमारा जो वस्त्र वह क्या ज्यादा बिके। बात को समझिएगा, जो इंग्लैंड के निवासी थे अंग्रेज, वो चाहते थे हमारे इंग्लैंड के वस्त्र क्या बिके, ज्यादा बिके, और भारत का वस्त्र क्या हो, कम बिके। तो इसके लिए यहाँ के जो वस्त्र है उसकी मांग को घटाना होगा, इसको बर्बाद करना होगा। तो यहाँ पर जो प्रभाव पड़ा था वो क्या पड़ा था, भारत का जो वस्त्र की मांग था वह घटने लगा था, क्योंकि विभिन्न तरह के नियम कानून लागू कर दिए गए थे, और यहाँ पर से केवल कच्चे कच्चे माल की आपूर्ति होती थी, ना वस्त्र। वस्त्र और कच्चे माल में याद रखिएगा, भारत में वस्त्र की मांग जो थी वह घट गई थी, लेकिन अगर कच्चे माल की बात करें तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। यहाँ पर से कच्चे माल का निर्यात किया जाता था इंग्लैंड, और वहां से फिर बने हुए वस्त्र को लाया जाता था, तैयार माल। तो यहाँ पर वस्त्र की मांग जो था घट गया था औपनिवेशिक सरकार की नीतियों के कारण। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न कहता है कि बंबई, जिसको आज वर्तमान में मुंबई कहते हैं, यहाँ पर सबसे पहले सर्वप्रथम सूती कपड़ा जो मिल है वह कब खुला था? तो बंबई में सर्वप्रथम सूती मिल का कपड़ा 1854 में खुला था। आइए इसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो वाष्प चलित इंजन, इंजन यहाँ पर प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो जॉर्ज स्टीफेंसन स्पिनिंग जेनी 1864 में आविष्कार हुआ, और आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम जेम्स हारग्रीव्स है। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों के कारण भारत में वस्त्रों की मांग घट गई थी, और बंबई में 1854 में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल खुला था। अगले प्रश्न है, प्रश्न है कि भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कब खुला है और कहाँ पर खुला है? देखिए, इस प्रश्न पर थोड़ा सा विचार करने के बाद है, तो भारत में सबसे पहला जो कारखाना लोहा इस्पात के लिए 1830 में खुला था, और वो पोर्टो नोवा में। देखिए, एक 1874-75 के आसपास में भी खुला था, कुल्टी में, जो पश्चिम बंगाल में है, और ये पोर्टो नोवा आपका तमिलनाडु में है। तो यहाँ पर इस प्रश्नों को विचार कीजिएगा, 1830 पहले है, इसलिए जो पहला कारखाना होगा वो 1830 पोर्टोनोवा में होगा, लेकिन इसके बाद पश्चिम बंगाल में भी खुला था 1874 में। 1830 से 1840 तक में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरह के औद्योग खुले, और भारत के लिए यही औद्योगिक क्रांति का युग है, ठीक है। और बाकी धीरे धीरे उद्योग खुले थे, तो 1800 बहुत सारे कह सकते हैं जगहों पर 1874 भी दिया है, तो वो गलत उत्तर है, यह वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर विचार करते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है कि विडला जूट, जूट से रस्सी बनता है, और यह पटसन से निर्मित होता है, तो ये जूट की कंपनी जो थी, इसकी स्थापना आप किस वर्ष हुआ है, आपको यह बताना है। तो 1919 के साल में इसकी स्थापना हुआ था। टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, पावर पावर मतलब एनर्जी होता है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी कि करंट, करंट यानी बिजली के लिए, बिजली की बात बोली जा रही है। तो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की स्थापना है, ये किस वर्ष की गई थी आपको बताना है, तो 1910 में इसकी स्थापना किया गया था, 1910 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
भारत में प्रथम फैक्ट्री एक्ट, एक्ट का मतलब कानून, जिसमें फैक्ट्री में विभिन्न तरह के कानून बनाए गए, किस प्रकार से कार्य करना है, मजदूरों को किस प्रकार से वेतन देना है और इसकी कार्य प्रणाली की प्रक्रिया क्या होगी। तो ये जो एक्ट लागू किया गया था, ये एक्ट कब लागू किया गया था, ये एक्ट लागू किया गया था 1881 में। तो 1881 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब मिला? तो वयस्क मताधिकार मिलने से क्या हुआ, यहाँ पर यह प्रश्न क्यों आ गया? देखिए, वयस्क मताधिकार मिलने से स्त्रियों और पुरुषों को समान माना जाने लगा, और उस समय स्त्रियों और पुरुषों को समान नहीं माना जाता था, पुरुषों को अधिक मजबूत और शक्तिशाली माना जाता था और स्त्रियों को कमजोर माना गया था। लेकिन जब यह मिल गया तो सब बराबर हो गए, और इससे इसके वेतन में भी परिवर्तन आया, इनके आय में भी परिवर्तन आया, इसलिए यहाँ पर यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये इनको कब मिला था? तो 1928 का वह साल था जब कह सकते हैं स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार मिल गया था इंग्लैंड में, 1928। आइए इन प्रश्नों को एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। तो भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना 1830 पोर्टोनोवा, और बिडेला जूट कंपनी की स्थापना 1919 में, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 में, जो टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी था पावर। प्रथम फैक्ट्री जो एक्ट था 1881 में लागू हुआ, और इंग्लैंड में मताधिकार, वयस्क मताधिकार 1928 में आया था। आइए अगले प्रश्नों पर विचार करते हैं। प्रश्न है कि पंजाब नेशनल बैंक, विभिन्न तरह के बैंकों की स्थापना हो रही थी ऋण देने के लिए कारखानों को, ताकि कारखाने चले, तो ये पंजाब नेशनल बैंक भी उनमें से एक है। तो ये पंजाब नेशनल बैंक है, इसकी स्थापना कब गई की गई है आपको ये बताना है। तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1895 में किया गया था, 1895 जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। चर्चिस्ट आंदोलन एक प्रकार का कह सकते हैं मजदूरों का आंदोलन था, तो मजदूरों ने कह सकते हैं अपने विरोध में क्या किया था, मजदूर तो मजदूर विभिन्न तरह के आंदोलन इसलिए करते थे क्योंकि उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था उन समय, औद्योग में उतने कह सकते हैं आय नहीं दिया जाता था, मजदूर पैसे नहीं दिया जाते थे, और इसका एक मुख्य कारण था कह सकते हैं बेरोजगारी, क्योंकि उद्योग के खोलने से बेरोजगार ज्यादा आ गया था और मजदूर जो थे बार बार उद्योगों का विरोध कर रहे थे, और इस तरह का एक आंदोलन उनमें से यह है चर्चिस्ट आंदोलन। तो ये एक प्रकार का सुधार नीति था जिसमें बोला गया था सुधार करने के लिए, इंग्लैंड में हुआ था यह आंदोलन जिसे ब्रिटेन भी कहते हैं। तो ब्रिटेन में यह पूरा तेजी से फैल रहा था आंदोलन, और इस आंदोलन की शुरुआत जो थी, चर्चिस आंदोलन की शुरुआत वह हुआ था 1838 में, 1838 के आसपास हुआ था। तो ये एक प्रकार का सुधार आंदोलन था जो मजदूरों के लिए सुधार चाहता था, उसकी आय में सुधार, उसके कह सकते हैं मजदूरी में सुधार करना ताकि उसकी स्थिति बेहतर हो सके। तो चर्चिस्ट आंदोलन कहां पर हुआ था यह भी प्रश्न अगला है। तो यह ब्रिटेन में हुआ था, यह आपको याद रखना है। एक बार इन प्रश्नों को रिकॉल कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक 1895 में, चर्चिस्ट आंदोलन आंदोलन जो था 1838 में, और कहां पर हुआ था, यह ब्रिटेन में हुआ था। आइए अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। तो यहां पर जो प्रश्न है कहता है कि ऑल इंडिया, अखिल भारतीय जिसको कह सकते हैं, ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना क्यों किया गया था, पहला प्रश्न तो यहाँ पर है। देखिए, ट्रेड यूनियन, यूनियन का मतलब होता है संघ। तो उस समय विभिन्न प्रकार के मजदूर जो थे अपनी आय को बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह के, मेन फोर्स था ये, मेन फोकस जो था यही था कि उस समय मजदूरों के साथ शोषण किया जाता था और उनको कम मजदूरी दिया जाता था, उनसे ज्यादा काम लिया जाता था। अगर उनकी काम का घंटा कह सकते हैं 3 घंटे या 5 घंटे या 7 घंटे या 8 घंटे था, तो उससे ज्यादा वर्क लिया जाता था, 11 घंटे 12 घंटे काम करवाया जाता था, और उनको पैसे जो थे वो कम दिया जाता था। और इसके खिलाफ विभिन्न तरह के संघ बनते थे, मजदूर विभिन्न तरह के आपस में मिल करके संघ का निर्माण करते थे, और ये क्या कहलाता था, यूनियन कहलाता था। और उसी प्रकार से एक यूनियन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन या ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, और इसकी स्थापना 1920 में हुआ था। भारत में मजदूरी बोर्ड, जिसमें कह सकते हैं मजदूरों को कितनी मजदूरी देनी चाहिए और उनकी मजदूरी न्यूनतम और अधिकतम कितनी होनी चाहिए, इस पर भी विचार किया गया। तो ये जो मजदूरी बोर्ड की स्थापना, किस पंचवर्षीय योजना, यानी कि भारत में पंचवर्षीय योजना चलता है, 5 वर्षों का कार्यकाल चलता है, तो कौन से पंचवर्षीय योजना था जिसके तहत क्या किया गया था, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किया गया था? तो वह तीसरा पंचवर्षीय योजना था जिसके तहत भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किया गया था।
भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग, राष्ट्रीय श्रम आयोग यानी जो श्रम है उसके लिए एक आयोग की स्थापना की गई ताकि किसी भी तरह के श्रमिकों का शोषण नहीं किया जा सके और एक बेहतर मजदूरी मिल सके। तो ये जो राष्ट्रीय श्रम आयोग है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1947 में किया, माफ कीजिए, 1958 में किया गया था, 1958 में, 1958। अगला प्रश्न बनता है कि भारत में सरकार की किस औद्योगिक नीति यानी कि औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? प्रोत्साहन का मतलब क्या होता है? देखिए, लघु मतलब छोटा उद्योग होता है, कुटीर मतलब कि उससे भी छोटा उद्योग होता है। तो ये जो छोटे छोटे उद्योग थे वह कह सकते हैं, अगर इनको सहारा नहीं दिया जाता तो ये डूब जाते हैं। हम लोग देखे थे वैश्वीकरण की प्रक्रिया में किस प्रकार से जो बड़े उद्योग थे, जो विदेश कंपनियां थी यानी कह सकते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी, वो किस प्रकार से छोटे उद्योग को प्रभावित करती थी। तो वो कौन सा वर्ष था जिसमें कह सकते हैं भारत ने एक नए तरह की नीति को अपनाया और भारतीय जो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग है उसको उसको प्रोत्साहन दिया? तो 1947 की जो नीति थी, औद्योगिक नीति, उसके तहत यहाँ पर लाया गया था, जिसके तहत यहाँ पर उदारीकरण की प्रक्रिया को रोक करके यहाँ पर व्यापार अवरोध लगा दिया गया था और इससे हमारे देश के लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन मिला, वह आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद जब ये सारी चीजें हो गए तो यहाँ पर वैश्वीकरण की प्रक्रिया आई। अगला प्रश्न है कि 1980 1980 की औद्योगिक नीति जो घोषणा पत्र में किस प्रकार के उद्योग के विकास करने पर बल दिया था, यानी कि किस प्रकार के उद्योगों को विकास करने के लिए बल दिया गया था, वह उद्योग आपको बताना है। तो भारत में विभिन्न प्रकार के उद्योग थे लेकिन जो कृषि आधारित उद्योग है, कृषि से जुड़ा हुआ उद्योग है, उसको ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया ताकि भारत में कृषि का विकास हो सके और एक बेहतर कृषि प्रारंभ किया जा सके। तो यह था वीडियो, एक बार इसे हम रिकॉल कर लेते हैं यहाँ पर। तो ऑल इंडिया जो कह सकते हैं ट्रेड यूनियन था उसका स्थापना 1920 में, और भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत मजदूरी बोर्ड की स्थापना की गई थी और भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना जो था 1962 में हुआ था। भारतीय सरकार की कह सकते हैं 1947 की औद्योगिक नीति के द्वारा कुटीर उद्योग एवं जो लघु उद्योग था उसको प्रोत्साहन मिला था। तो यहाँ पर एक बार आप गौर कर लीजिएगा, यहाँ पर जो सरकार बन रहा है वो गलत सरकार बन रहा है, इसे मैं काट देता हूँ। 1947 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1948 जो है वह गलत है, ये वाला सही हो जाएगा। और अगला जो कह सकते हैं प्रश्न था कि 1980 की औद्योगिक नीति के चलते भारत में कृषि आधारित उद्योगों को विकसित करने पर बल दिया गया था। तो यह था कुछ प्रश्न उत्तर जिस पर विचार किया हमने, जो ऑब्जेक्टिव बन रहे थे इस चैप्टर 5 से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको और भी कुछ परिवर्तन चाहिए वीडियो में तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए एक वीडियो को जरूर देखें, जिसमें जिस वीडियो का टाइटल है कि पेड कोर्स को क्यों खरीदे, तो ये एक टाइटल है, आप उस पर विचार कर लें। अगर आपको लगता है कि मुझे जरूरी है तो आप उसे ले सकते हैं, क्योंकि परीक्षा के साथ रिस्क नहीं लेना चाहिए, जितना बेहतर तैयारी हो सके उतना बेहतर तैयारी कीजिए, आप जितना बेस्ट तैयारी कीजिएगा उतना ही आपका रिजल्ट बेस्ट होता चला जाएगा। और एक बात आप याद रखिए, अगर आपकी अब अपनी तैयारी बिहार बोर्ड से कर रहे हैं तो बिल्कुल ही केयरफुल रहिए, अगर आप जरा सा भी केयरलेस हो जाते हैं तो रिजल्ट आपका गड़बड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार के प्रश्नों पर विशेष जोर नहीं दिया जाता है। आप सोचिएगा कि रिपीटेड क्वेश्चन को पढ़ करके एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, तो वैसा नहीं हो सकेगा। आपको प्रश्न को पढ़ना नहीं बल्कि समझना होगा। आप विभिन्न तरह की किताबों को कभी खरीद लीजिएगा, अगर आपको उन प्रश्नों का उत्तर बेहतर तरीके से नहीं समझ में आएगा तो आप उसको नहीं लिख सकेंगे। तो फोकस कीजिए रटने पर नहीं, समझने पर, वीडियोस के माध्यम से, टीचर के माध्यम से, जहां से भी आपको समझ में आ सके, और अगर हमसे जहां तक हो सकेगा वहां तक करेंगे। आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करने से ही एक बेहतर उत्तर हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये वीडियो था, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पूरा पसंद आया होगा। अगर किसी भी तरह का प्रश्न है तो जरूर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।